वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मुनफरिद स्टाइल में लौकी के कबाब। इसके लिए जो अज्जा चाहिए, मैंने 1 किलो लौकी लेकर उसे क्रश कर लिया है। चने की दाल चाहिए 1 कप। 4 अदद ब्रेड के स्लाइस लेकर इनके क्रम्स बना लिए हैं। 2 अदद प्याज, इन्हें मैंने बारीक काट के इनका अच्छी तरह पानी निचोड़ दिया है। 8 से 10 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 6 जवे लहसुन के और 1 इतना सा टुकड़ा अदरक का लेना है। हरा मसाला, चिकन के पीसेस, ये इस टाइप के 2 चिकन के पीसेस चाहिए होंगे। 4 से 5 काली मिर्चें और 4 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 अंडा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। लौकी कबाब के प्रोसेस में हम सबसे पहले क्रश हुई हुई लौकी को उसके अपने ही पानी में स्टीम दे लेंगे और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चने की दाल को हम कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद इसमें सब साबुत मसाले, मिर्चें, खुश्क धनिया, लहसुन, अदरक का पीस, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, नमक, चिकन का पीस, ये ऑप्शनल है, आप चाहें पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें। और इसके बाद हम इसमें पानी बस सिर्फ इतना डालेंगे कि दाल गल जाए और खिली खिली रहे, तो दाल बैठे नहीं। देखें जी, हमारी दाल बॉईल हो गई है और आप ये देखें कितनी खिली खिली दाल है। इस तरह से आपने दाल को बॉईल करना है। फिर इसमें हम सारा हरा मसाला ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैं इसे चॉप करके वापस आती हूँ और फिर सब चीज़ें मैं आपके सामने ही मिक्स करके कबाब बनाऊँगी। ये देखें जी, हमारी दाल बॉईल हो गई और फिर उसे मैंने चॉप कर लिया है। अब ये जो लौकी, इसे मैंने स्टीम किया। स्टीम करने के बाद ये 1 किलो लौकी थी, ये इतनी सी रह गई। अब हम इसे ऐड करेंगे दाल में। इसके बाद दाल के साथ मैंने जो चिकन बॉईल किया था इसको मैंने पीसीज में कर लिया और इसको अब ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम ऐड करने जा रहे हैं ये प्याज। ये 2 अदद प्याज थी जिन्हें मैंने बारीक काट के इनका भी पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया है। और अब एक बार मैं इसे करूँगी मिक्स। बहुत ही कलरफुल से और बहुत ही यम्मी कबाब तैयार होने जा रहे हैं। अब हम इसमें किसी उस पर ऐड करेंगे अपने ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हाफ हाफ करके ऐड करेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स किया तो अब बाकी के जो ब्रेड क्रम्स रह गए थे वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा। दाल का मिक्सचर रेडी करने के बाद, दाल और लौकी का, इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और इस तरह से हम इसके बनाएंगे कबाब। और तो फिर चलते हैं हम इसे फ्राई करने की तरफ। ये देखिए, चलें जी, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और अब हम इन कबाब को करेंगे शैलो फ्राई। देखें जी, कबाब एक साइड से हो गए हैं हमारे फ्राई। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया है। इसकी साइड आप बहुत आराम से चेंज करें। और अब इस साइड से भी हम इसे
तीन से चार मिनट हल्की आंच पर पका लेंगे और उसके बाद मैं करती हूँ इसे डिश आउट। ये लें जी, रेडी हैं हमारे कबाब। तो आप इसकी फाइनल लुक देखें, ये हमारे लौकी के शामी कबाब। ये जी मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इंजॉय करते रहें। ओके, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।